दमोह विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के पक्ष में पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतरे हैं। चुनाव में प्रचार के लिए दमोह पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। वीडी शर्मा से खास बातचीत की हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी ने। दमोह के दंगल में अब प्रचार के अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बीते कई समय से यहां हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बीच में चुनाव होने से कुछ चीजें भी बदली है। इस वक्त खुद मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी है। बीडी भाई, क्या कहेंगे ये चुनाव, जब हम 28 चुनाव की बात कर रहे थे उस दौर में, लेकिन क्या दमोह का चुनाव थोड़ा कुछ अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। देखिए, बल्कि दमोह का चुनाव आसान है, क्योंकि पिछले 28 विधानसभाओं के उपचुनाव जो थे उसमें तो बड़ा संघर्ष था। हमारे कार्यकर्ता ऐसे लोगों के सामने थे जिनके साथ जिंदगी भर लोगों ने संघर्ष किया। दमोह के अंदर तो जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हैं, वो पिछले कांग्रेस के उससे चुन करके आए थे, लेकिन मूल रूप से वो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारी विचारधारा का व्यक्ति है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उस समय उधर जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो अपने घर में वापस आ गए और आज घर में वापस आकर के उसी विचार के साथ प्रतिबद्ध होकर के वो काम कर रहे हैं। इसलिए 28 विधानसभाओं के वो जो चुनाव थे उनको जनता ने, कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्टेंस दिया और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो चुनाव लड़ा जा रहा था, ये भी एक उसका हिस्सा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस विकास के मुद्दे पर, विकास केवल कहने के लिए नहीं, प्रत्यक्ष काम करने वाली सरकार है। यानी आज मध्य दमोह जैसे जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की सौगात युवाओं के लिए देना ये सामान्य घटना नहीं है। सिंचाई की परियोजनाएं जो पानी की जरूरत है, और विकास के मुद्दे जो 15 वर्षों में काम किया था और आज एक वर्ष के अंदर जो काम किया है, इन सारे मुद्दों पर शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र है, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत अच्छे मतों से, जनता के समर्थन और आशीर्वाद से दमोह के अंदर इस चुनाव को व्यापक बहुमत के साथ जीतेंगे। दमोह का चुनाव मैं इसलिए भी अलग कह रहा हूं कि दमोह के चुनाव से पहले जब हम उस चुनाव में बात कर रहे थे तो मेरे और आपके चेहरे पर मास्क नहीं था, लेकिन हम दोनों मास्क लगाए हुए, इस दृष्टि से अलग है क्या? नहीं, इस दृष्टि से बिल्कुल आप ठीक करें। उस समय भी कोविड का संकट था, आज भी कोविड का संकट है, कोविड थोड़ा आज ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, इसलिए हम लोगों को भी संकट है कि हम भी ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से केवल राजनीति के लिए इन सारी चीजों को इग्नोर किया जाए, ऐसा संभव हो नहीं सकता। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड शो को भी, उन्होंने कहा कि भाई रोड शो में इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो इसके कारण से कुछ चीजें घटित हो सकती है, इसलिए इसको रोकना चाहिए। हम उसको डोर टू डोर जनसंपर्क में हमने बदला है, आज हम उसको करेंगे। लेकिन इस कोविड के संकट के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में हमने, आपने देखा होगा, चुनाव की रणनीति बदल दी हमने। मैं स्वयं छोटे छोटे जगहों पर एक दिन के अंदर कई स्थानों पर उन समूहों में जाकर के लोगों से बैठना, बात करना, सोशल डिस्टेंसिंग में, बिना मास्क के तो बात हम लोग करते ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की जो मजबूती है जमीन पर, जो बूथ का तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है और विकास के जो काम है, उन मुद्दों पर जनता बेहतर भाजपा को जानती है। और कांग्रेस को भी 15 महीने में दुरावस्था भी देखी है, कमलनाथ भी देखे हैं, और जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको तो दमोह की जनता ने उनके हर चीज को देखा है कि वो क्या है। मुझे किसी की मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जनता जानती है कि जो लड़ रहे हैं कांग्रेस से वो क्या रहे, उन्होंने क्या किया दमोह के लिए, वो किस करेक्टर के, वो जनता जानती है। लेकिन ये चुनाव में धीरे धीरे कर कोरोना ने दस्तक दे दी और हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कोरोना के हालात है, क्या इस चुनाव में कोरोना भी मुद्दा बनने जा रहा है, जैसा कांग्रेस कह रही है? आपने कहा कि हमने जैसा भी जो भी होना चाहिए, मास्क लगाया, दूरी बनाकर चले, लेकिन कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही कि कांग्रेस, बीजेपी ने फैला दिया कोरोना। देखिए, बीजेपी कोई कोरोना फैलाएगी ये तो खैर इन बातों से कोई, ये बड़ा हल्कापन होता है ऐसा कहना, लेकिन कोरोना जैसे महामारी का संकट, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को तो कहने का कोई हक ही नहीं है कि जब कोरोना यहां पैर पसार रहा था तब कमलनाथ जी की सरकार थी
और इंदौर के अंदर आप आईफा वार्ड के लिए बैठक भोपाल के अंदर कर रहे थे, लेकिन कोरोना की चिंता नहीं थी। जब मीडिया ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि पहले राजनीतिक कोरोना से निपट लें, ये तो होता रहेगा। तो आपने ही पैर पसारने का मध्य प्रदेश के अंदर, जो बिना किसी एक पीपी किट नहीं थी यहां पर, जनवरी में एडवाइजरी जारी हो गई थी केंद्र की, तब आपने एक कदम नहीं उठाया था, तो आपको क्या अधिकार है कहने का। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संकट में शपथ ली और दिन रात एक करके कोरोना को कंट्रोल करने का बेहतर जो प्रयास हो सकता है वो किया। संगठन भी समन्वय के साथ लगा पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और आज भी बेहतर तरीके से संभालने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन ये प्रकृति जन्य इस प्रकार की जो चीजें हैं, इन पर कोई ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सरकार, हाँ बाकी प्रबंधन चीजों को उपलब्ध कराना सरकार क्या नहीं किया है सरकार ने, ये तो मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। अब आज अचानक जैसे माना कि ऑक्सीजन की समस्या आती है, तो ऑक्सीजन अन्य राज्यों से जो हमारी सप्लाई नियमित होती थी उसको बाधित किया है, बाधित किया तो समस्या किसके लिए आ रही है, हमारे लिए आ रही है। तो उसके लिए भी क्या एफर्ट्स करने चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री और सरकार बेहतर प्रबंध कर रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। यह नेतृत्व दिन रात एक करके काम करने वाला नेतृत्व है, जनता के प्रति जितना संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व है, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को झूठ बोलने से भ्रष्ट है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, झूठ का पर्दाफाश जनता ने 28 विधानसभा में भी किया और आज भी करेगी। आप अपने अस्तित्व की वो लड़ाई लड़ रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और कुछ इनके पास नहीं बचा। बड़े उत्साहित है रोड शो को लेकर कि हमने रोड शो कर दिया, हुआ तो अलग है कि मास्क नहीं था लेकिन रोड शो कर दिया। कितना बड़ा रोड शो हो गया जरा मुझे बताइए। ये मनोज जी क्या है, ये अपने मन के अंदर वो रसगुल्ले खाएं, 2 तारीख को उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या ये लग रहा है कि जो दल बदलों की बात कही जा रही थी, टिकाऊ बिकाऊ का जो मुद्दा, 28 सीटों पर नहीं चला आप लोग सत्ता में आए, लेकिन यहाँ क्या जो स्थानीय प्रत्याशी का जो मुद्दा है, जिस तरह से कई तरह के सवाल खड़े। स्थानीय प्रत्याशी तो है और कौन है, यहाँ कई प्रत्याशी है, यहाँ के वो तो जन्मजात स्थाई है। इसलिए ये अब इन देखिए, इनके पास ये विकास की बात करें ना, ये मुद्दे की बात करें, ये संगठन की बात करें, नीतियों की बात करें, ये कुछ नहीं है इनके पास। और इनके प्रत्याशी है उनके पास ये पुरानी हिस्ट्री क्या है ये दमोह जानता है। अरे इतिहास मैं नहीं खोलना चाहता कि उनका इतिहास क्या, उनके कर्तव्य तो क्या रहे हैं यहां पर। तो इसलिए इन सारी चीजों से जनता विमुख नहीं हो सकती, जनता ने आपको देखा है, जनता आपको जानती है। इसलिए दमोह के उपचुनाव में अब झूठ बोलना और छल कपट करना ये संभव आपके लिए है नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ी है और बेहतर तरीके से, बेहतर प्रबंधन के साथ इस चुनाव को हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। प्रहलाद पटेल साहब का एक वीडियो कांग्रेस वायरल कर रही है जगह जगह से, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने मन से ऐसा कह दिया कि जो चुनाव में सपोर्ट नहीं करेगा उसका ठीक नहीं होगा, ऐसा। तो इसके कहने का मकसद क्या माना है? ऐसा नहीं है, ये तो सामान्य तौर पर कुछ बातें जब लोग चुनाव प्रचार करते हैं तो ऐसी चीजें राजनीति में, और ये सब बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। और उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से आपको देखिए कि कोई कांग्रेस के वीडियो चलाने से, भ्रम फैलाने से, ये दमोह की जनता भी बहुत होशियार है जी। यहां इतने दिनों में किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर समाज का व्यक्ति जानता है कि हमारे लिए किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़े बड़े प्रश्न समाजों के समाधान करने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, ये दमोह की जनता, हर समाज के लोग जानते हैं। तो मलैया साहब है, जयंत मलैया साहब बहुत अच्छे, अरे उन्हीं के नेतृत्व तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत मलैया जी हो, उनका बेटा है, बाकी सारा जो तंत्र है उन्हीं के नेतृत्व तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो आधा प्रोग्राम छोड़कर चले गए यहां से, वो कह रहे हैं कोरोना ज्यादा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह की क्रेडिबिलिटी मध्य प्रदेश के अंदर, वो खुद अपने बयानों में बयां करते हैं कि मेरे आने से वोट कट जाते हैं, उनको लग रहा होगा कि मैं और रुक जाऊंगा तो ज्यादा कटेंगे, ये भाग गए होंगे। और उनके बेटे आए थे आज, वो गाड़ी में बैठे रहे, और दो बड़े नेता आए थे वो गाड़ी में बैठे रहे, कमलनाथ जी बिना मास्क के घूमते रहे। तो केवल झूठ और ज्ञान बांटने से काम चलता है क्या? अरे जमीन पर जाओ जी, हम घूम रहे हैं और गली गली, जमीन जमीन पर, बूथ पर भाजपा का तंत्र है वो काम कर रहा है। चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ता जीतता है, कोई दिग्विजय सिंह कमलनाथ के आने से चुनाव जीता जाता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ बूथ पर काम कर रहा है, उसका परिणाम होगा
कि 17 तारीख को प्रचंड बहुमत का मतदान भी होगा और प्रचंड बहुमत से हम 2 तारीख को जीतेंगे। आप बूथ की बात कह रहे हैं लेकिन बूथ पर आपके तमाम सारे कार्यकर्ता आप भी लगातार कई दिनों से लगे हुए मैंने देखा और एक दिन भी आपने नहीं छोड़ा, तो क्या ये माना जाए पिछली बार जो हार का अंतर था वो 700 करीब था, इस बार जीत का अंतर कितना होगा? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, आप देखिएगा परिणाम। जैसे प्रभुराम चौधरी जीते थे ना, लोग कह रहे थे कि ये होगा ऐसा होगा वैसा होगा, बूथों पर ये हो रहा है वो हो रहा है, 68,000 से जीता आदमी जाकर के, कितने बहुमत से जीता, 53,000 से तुलसी सिलावट जीते। ये इसकी जीत भी ऐतिहासिक जीत होगी, हम 2 तारीख को आप देखना जब प्रणाम आएंगे। इतना विश्वास? बिल्कुल विश्वास है, संगठन के कार्यकर्ताओं के कारण, विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसके कारण, और हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास जनता का, मोदी जी के प्रति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता के प्रति, इस विश्वास पर हम ऐतिहासिक मतों से चुनाव को जीते। तो ये थे बीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत तैयारी के साथ यहाँ है मैदान में और इतना विश्वास भी है, और जब कप्तान को इतना विश्वास हो तो निश्चित है कार्यकर्ता भी उसी आधार पर काम करते हैं, और बीजेपी की ये ताकत भी रही क्योंकि बूथ मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत होगा और काम बीजेपी बूथ पर ही करती है, लेकिन कौन कितना मजबूत होगा इंतजार कीजिए क्योंकि अब प्रचार अंतिम दौर में है और निगाहें इस चुनाव पर है। मनोज सैनी, IN24, दमोह।